बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट लेक्चर नंबर 14 है जिसमें एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का हमने प्रूफ तो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि एग्जांपल्स अगर आ जाती हैं तो हमने कैसे सॉल्व करनी है। फर्स्ट एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ ये साथ साथ ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल करने लगें, इसमें आपको कह रही है कि आ कैन सॉल्व 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन अ बुक वाइल बी कैन सॉल्व 60% ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब ए सॉल्व कर रहा है कितनी प्रॉब्लम, 80%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, 80% है, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। अब वो कहते हैं बी कैन सॉल्व द 60%, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो कितने प्रॉब्लम सॉल्व करे, 60% इन मीन 60 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास 0.60 आ जाएगा। अब वो कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल आल्सो सॉल्व अ प्रॉब्लम चूजन एट द रैंडम। आपने बताने कि ये रैंडम नहीं कितने प्रॉब्लम चूज करें। अब देखिए, हमने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाना है, एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वो हम कैसे लगाएंगे, हमारे पास होता है ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आपके पास क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट्स आप देखो, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आता है इन क्वेश्चन में, जब आपने फाइंड करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपने फाइंड करना होता है। अब आपके पास क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनियन जब यूज़ करते हो तो प्लस यूज़ होते हैं, इंटरसेक्शन जब यूज़ करते हो तो मल्टीप्लाई यूज़ होते हैं। अब हमारे पास इन दोनों को, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करना है। इंटरसेक्शन मीन है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या वैल्यूज है, आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 0. आपके पास क्या आ जाएगा, या आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी 0.48 आ जाएगा सॉल्व करने से। अब आपके पास सिंपली वैल्यूज़ तो आ गई हैं, अब आप अपनी वैल्यूज़ पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.8 है, ये 0.6 है, माइनस आपके पास 0.48 है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 0.92 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ जो कि एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। स्टूडेंट इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपके पास फार्मूला गिवन होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने देखना ये होता है जो आपको वैल्यूज गिवन है आप उसमें से ए कैसे फाइंड कर सकते हो, बी कैसे फाइंड कर सकते हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन मीन होता है मल्टीप्लाई करना, कि जब आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं तो इंटरसेक्ट मीन होता है मल्टीप्लाई करो। अब आपके पास वो कहते हैं कि अ फेयर कॉइन इज रोल्ड वंस, आपने एक फेयर कॉइन को एक फेयर डाई को रोल किया, तो फेयर डायल में जो आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं वो आपके पास क्या होती है, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं डाई में आने के लिए, वो क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब वो कहते हैं यू विल यू विन द गेम इफ़ द आउटकम इज़ आइदर इवन और डिविजिबल बाय 3। आपने 2 पॉसिबिलिटीज़ वो दे रहे हैं, एक तो आप कह रहे हैं ए जो हमने लेना है वो इवन नंबर्स लेने हैं, और जो बी लेना है वो डिविजिबल बाय 3 हो। अब इसी में से आप देखेंगे इवन नंबर्स क्या हैं, सेट ए जो है उसमें इवन नंबर 2, 4, 6 आएंगे, तो हम क्या लिख लेंगे सेट ए में 2, 4 एंड 6, एंड बी में आप क्या लिखोगे जो कि डिविजिबल बाय 3 हो, मतलब 3 एंड 6 आपके पास आ जाएगा, 3 एंड 6 आपके पास आ जाएगा, ये आपने लिख लिया। अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, सिंपल। अब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो आपके पास आएगा वो हमारे पास क्या, इंटरसेक्शन में तो मीन होता है कॉमन, अगर तो आपको इस तरह की वैल्यूज़ दी हैं, सेट्स दी हैं, तो आप इनमें से देखो कि कॉमन क्या है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इंटरसेक्शन बी जो है वो 6 आ गया। आप सिंपल अब वैल्यूज़ पुट करो, आपके पास यहाँ जो प्रोबेबिलिटीज़ आएगी वो 3/6 आ जाएगा, प्लस यहाँ आपके पास 2 हैं तो 2/6 आ जाएगा, माइनस 1/6, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 2/3 जो है वो आंसर आ जाएगा। और ऐसे आपने एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के जो वैल्यूज़ हैं वो सॉल्व कर लेनी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा।